हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखते हैं ये क्लास सिक्स का आपका एक चैप्टर है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उनको हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ज़्यादा आपके एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ, जो भी चीज़ें जैसी बताई गई हैं उनको एक छोटे से वीडियो में हम लोग फटाक से ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी की अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 116 आपका है, उसी पर बेस हम कुछ चीज़ें बताएंगे आपको, यहाँ पे लिखवाते चलेंगे, आपको अपनी कॉपी पे उन्हें नोट कर लेना होगा, समराइज टाइप में होगा, आपको इसको पढ़ करके आसानी मिलेगी इस चैप्टर को आगे इसकी एक्सरसाइज करने में, इसका टेस्ट देने में, या फिर इससे कोई भी क्वेश्चन को जवाब करने में। इलेक्ट्रिक सेल आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों घर में, घड़ी के अंदर, टॉर्च के अंदर, रेडियो के अंदर, किसी भी टॉय के अंदर इलेक्ट्रिक सेल पड़ा रहता है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल का काम यही होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, जो भी केमिकल्स उसके अंदर स्टोर किए होते हैं उनसे वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका जरा हम आपको थोड़ा सा डायग्राम पर बनाएंगे, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है, मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, इसमें एक ऊपर की तरफ ऐसे होती है, नीचे जो होता है इसको बोलते हैं मेटल डिस्क, बोलते हैं मेटल डिस्क, और ये जो ऊपर की तरफ होता है इसको बोलते हैं मेटल कैप। ठीक है, मेटल कैप। अब ये जो मेटल कैप और ये जो मेटल डिस्क, ये इसके पार्ट होते हैं सेल के। ठीक है, मेटल कैप जो होता है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो मेटल डिस्क होता है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक, इतना क्लियर आप अपनी कॉपी पर साथ ही साथ में डायग्राम भी बनाते हुए चलिए, तो आपको बहुत ही क्लियरली ये चीज़ें समझ में आएंगी। चैप्टर में ऐसा कुछ भी कठिन नहीं दिया हुआ जो आपको समझ में ना आए, कुछ ऐसा हो, बस केवल आपको फोकस करने की ज़रूरत यहाँ पर है। आगे देखिए, अब इसमें पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, आगे आएगा भी टॉपिक आपके इलेक्ट्रिक सर्किट, वो हम आपको यहीं पर बता रहे हैं। सेकेंड टॉपिक जो हमारा आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको जरा ध्यान से देखिए क्या होता है। मान लीजिए इस सेल से हमको एक बल्ब ग्लो कराना है, एक बल्ब को हमें जलाना है, उससे प्रकाश लेना है, लाइट लेना है, तो हम यहाँ पर एक बल्ब भी बना रहे हैं। ठीक है, यह है बल्ब। ठीक है, अब इस बल्ब में देखिए दो टर्मिनल लगे हुए हैं, एक ये है टर्मिनल और एक ये है टर्मिनल, और इस सेल में भी दो हमने निकाली है। अब क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम ले जाके इस सेल में यहाँ पे जोड़ दें, इस बल्ब में यहाँ पे जोड़ दें, और जो इसका ये वाला टर्मिनल है निगेटिव टर्मिनल है इसको ले जाके बल्ब के दूसरे टर्मिनल में जोड़ दें। ठीक है, जोड़ दिया। अब क्या हुआ, देखिए एक सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी कि अब इससे ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट चलेगी, इधर जाएगी, यहाँ जाते हुए इसके अंदर जाएगी, ये पूरा यहाँ से होते हुए इधर आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, और यहाँ जाएगी, सेल के अंदर जाएगी, फिर इधर आएगी, यानी कि एक रास्ता, एक सर्किट पूरा कायदे से कंप्लीट हो गया है। तो सर्किट कंप्लीट है, इसका मतलब करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, यानी कि ये बल्ब क्या हुआ, ये बल्ब फ्लो कर जाएगा, इसमें लाइट चलेगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट इसी को बोलते हैं, जब एक पूरा करंट चले, पूरा चलेगी, तभी जो भी वर्क हमको चाहिए उससे तभी हो पाएगा, यानी कि हमको क्या चाहिए, बल्ब ग्लो हो, वो तभी हो पाएगा जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो। ठीक है, अब एनसीईआरटी में आपकी बुक में पेज नंबर 118 पर देखिए, आपके पास बुक होगी, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे हैं, अगर अलग अलग फिगर्स बनाए हैं, उसमें क्या किया उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने लिया है सेल और उसमें बल्ब को कनेक्ट किया है, उन्होंने क्या किया, बीच से इसका कनेक्शन तोड़ दिया, तो पूछा है बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्लियर बोल सकते हो कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक करंट यहाँ से चलना शुरू हुई, यहीं पर रुक गई, क्योंकि यहाँ पे आगे जुड़ा ही नहीं है,
तो जब यहाँ से आगे नहीं जाएगा तो सर्किट है इनकम्प्लीट, इसलिए करंट नहीं चलेगी, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मैं बता सकता हूँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से उसमें और भी बने हुए हैं, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। बस यही है कि सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट ग्लो करेगी, सर्किट नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर नहीं। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, अगर ये वाला तार, इस बल्ब का ये वाला तार देखो, इस वाले तार को हम इसी में जोड़े, इस वाले तार को हम इसी में जोड़े, दोनों हमने निगेटिव पर जोड़ दिए, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी भी करंट, अगर हम कहते करंट यहाँ से निकल रही और इधर ही जा रही, और करंट निकलती नहीं है निगेटिव टर्मिनल से, निगेटिव टर्मिनल से करंट जाती है, तो इसमें करंट कैसे पहुंचे? नहीं होगा। सेम यही चीज अगर हम इधर भी करें, हम इन दोनों को इसमें जोड़ दें, तब भी करंट नहीं फ्लो करेगी, तब भी सर्किट इनकम्प्लीट है और बल्ब ग्लो नहीं करेगी। क्लियर है इतनी चीज़ें? अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, नीचे कमेंट करके पूछिए, जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। समझने का प्रयास करिए बस। अगला टॉपिक है इसमें देखिए हमारा इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिक स्विच? चलिए उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच को हम ऐसे बता सकते हैं, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस विच ईदर कंप्लीट्स द सर्किट और इनकम्प्लीट्स द सर्किट, ठीक है। स्विच जो है, इलेक्ट्रिक स्विच जो है, एक सिंपल डिवाइस होता है, वो या तो फिर सर्किट को कंप्लीट करेगा या फिर उसको इनकम्प्लीट करेगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम फिर से वही वाला बना रहे हैं, हम सिर्फ फिर से वही वाला बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा बना रहे हैं, और यहाँ पर हम बल्ब बना रहे हैं, ठीक है। ये बल्ब बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला हमने इसमें जोड़ दिया और ये हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या? हम ये थोड़ी ना चाहेंगे कि ये हमने इसमें तार जोड़ दिया, वायर इसमें कनेक्ट कर दिया, बल्ब हमेशा ग्लो करता रहे। हम ऐसा कुछ चाहेंगे कि जब हमारा मन करे तब ये जले, जब हम चाहें तब ये बंद हो जाए। तो हर तार के बीच में एक ऐसा सिस्टम बना ले, देखो इस वाले तार को हम वाले ऊपर ले जाए ऐसे, और इस वाले वायर को हम इसके नीचे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर आप बस आपको ध्यान यहाँ पर देना है, ये देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये पूरा वायर इधर गया है, ठीक है। अब जब ये वाला वायर इसमें टच होगा, ये दोनों वायर आपस में टच होंगे, तब क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट इसमें ग्लो होगी, बल्ब करंट जाएगा इसमें, बल्ब ग्लो हो जाएगा, ग्लो करेगा। लेकिन जब तक ये दोनों देखो अलग है, तो क्या है? करंट नहीं फ्लो हो रही, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। उम्मीद है समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब स्विच क्या, स्विच का काम बस यही है, स्विच यहाँ पे लगा दिया जाता है, वो या तो फिर क्या करता है, इसको कंप्लीट करेगा या फिर तोड़ेगा। अब आपका जो आपके घर में जो बटन होता है, ऊपर नीचे करते हो, उसकी वजह से फैन आपका बल्ब जलता है, वो कैसे काम करता है वो देखिए। उसमें क्या है, उसमें जो उसका एक पार्ट है उसमें तो फिर ऐसे को जोड़ दिया जाता बटन, ठीक। इसमें स्विच लगा दिया गया, दूसरी तरफ दूसरा वो लगा हुआ है जो उसके नीचे वाला हिस्सा है। जब आपने उसको ऑन किया, तो ये वाला हिस्सा इस पर टच कर रहा है, तो जैसे ही वो ऑन किया आपने, वो उस पर टच कर रहा है और करंट इसमें जाने लगी। जैसे आपने ऑफ किया, वो उसका जो टच कर रहा था वो हिस्सा ऊपर उठ गया, इस वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं है और वो जो भी डिवाइस उससे जोड़ी आपने, फैन है, बल्ब है, वो काम करना बंद कर दिया उसने, ठीक है। बाकी अब आप एक काम करेंगे कि कोई भी आपके यहाँ स्विच है उसको खोल के देखिए कि उसने किस तरीके से वो सर्किट को इनकम्प्लीट और कम्प्लीट करता है। कोई भी खराब पड़ा हो घर में तो उसका यूज कर, उसको देखिए, उसका एग्जामाइन करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने उससे क्या सीखा। और अगर आपको कोई भी समझ में उसमें कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप पूछ भी सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसको समझ लिया अगर आपने, तो ये समझिए इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा जो मकसद था वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर? आपने देखा होगा कि आपने कहा आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी में करंट नहीं चलती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें करंट चलती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें करंट नहीं चलती है। तो आप उन चीज़ों को अलग अलग करेंगे कि किसमें करंट चलती है, किसमें नहीं चलती, उसी को बोला गया कंडक्टर और इंसुलेटर। यानी कि वो चीज़ें जिनमें करंट चलेगी उनको बोलेंगे कंडक्टर, जिनमें करंट नहीं चलेगी उनको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। यानी कि द मटेरियल्स विच अलाउड पास करंट थ्रू देम, यानी कि वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को आसानी से चलने दें उनको हम बोलेंगे कंडक्टर, और वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को आसानी से पास ना होने दें उनको बोलेंगे इंसुलेटर।
ठीक, इसको हम जरा यहां से लिख रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। तो ये है देखिए, कंडक्टर मटेरियल्स विच अलाउ टू पास करंट थ्रू देम इजीली, वो मटेरियल्स जो अपने आप में से करंट को इजीली पास होने दें उनको बोलेंगे हम लोग कंडक्टर्स। ठीक है, अगला देखिए, इंसुलेटर मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू देम, वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को आसानी से पास ना होने दें उनको इंसुलेटर बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप देखिए इसका एग्जांपल भी है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स होंगे सिल्वर, इसमें आप लिखेंगे एग्जांपल है प्लास्टिक। ठीक, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आप इसमें 10 कंडक्टर लिखिए और इसमें 10 इंसुलेटर लिखिए, कंप्लीट करिए इसको। इस चैप्टर में यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद इसको समझाने के लिए उन्होंने एक आपकी बुक में पेज नंबर 121 पे एक एक्टिविटी कराई है, एक्टिविटी 5, उसमें उन्होंने एक वैसे जैसे हमने आपका सेल जोड़ा था, सेल और उससे उन्होंने बल्ब जोड़ा है और बीच में की लगा दी है, चाबी दो एक जगह पे वायर को काट दिया है, बीच में एक चाबी लगा दी है और कहा है कि इस चाबी की जगह पे हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, उन्होंने पूछा। ठीक है, तो आगे टेबल 12.1 जो दी है जिसमें लिखा है कंडक्टर और इंसुलेटर, उसमें क्या है देखिए, लिखा है ऑब्जेक्ट यूज प्लेस ऑफ की, यानी कि चाबी की जगह पे यूज किए जाने वाले कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं और वो किस चीज के बने हैं और उनसे बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, यानी कि अगर हम रबर यूज कर दें उस चाबी की जगह पर रबर यूज कर दें तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रबर एक इंसुलेटर है, उसमें करंट नहीं पास होती है, वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा, इसलिए उसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसी तरीके से उसने एक और लिखा है मैच स्टिक, यानी कि माचिस की तीली, क्या उसकी वजह से करंट पास होगी, नहीं होगी, वो भी एक इंसुलेटर है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ में आया आपको? इस चैप्टर में इतना ही था, चैप्टर को मैंने बहुत ही शॉर्ट करके बताया है। अगर आपको लगता है कि अभी इसमें कुछ छूट गया है, जो अभी आपको और बताना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम इस चैप्टर के लिए दूसरी वीडियो बना देंगे, उसमें आपको इसका बचा हुआ पार्ट दे देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इस चैप्टर में इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, समरी जो दी हुई है उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जो ना समझ में आए एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नया लगे कि ये क्या है, समरी में कुछ भी लगे कि ये कहाँ से आ गया, क्या है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता, कोई भी टर्म है, तो फिर वो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं या फिर किसी और माध्यम से अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को वीडियो भेजते रहिए, वो भी पढ़ पाएँ, क्योंकि इस कोरोना के दौर में अगर किसी को पढ़ने का मौका मिल रहा है आपकी वजह से, सिर्फ आपके शेयर की वजह से, तो ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे।